मतदान होने के बाद से ही गांवों, शहरों एवं कस्बों में लोगों के मुंह से अपने चहेते प्रत्याशी के हार जीत के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रत्याशी समर्थक अपनी जीत के दावे कर जीत अपनी पक्की बता रहे हैं। मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस एवं भाजपा पार्टी के नेतृत्व की निगाहें टिकी है। विगत 2018 के चुनाव में कांग्रेस के बागी प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय गोपाल मालवीय मैदान में रहे। इन्होंने सन 2018 के चुनाव में 42,000 वोट लिए, जिससे कांग्रेस प्रत्याशी की होने वाली जीत हार में बदल गई थी। उस समय भाजपा के गोपाल लाल खंडेलवाल विधायक बने थे। इस बार मालवीय मैदान में नहीं है। चुप्पी साधे रहने के बाद भी इन वक्त पर कांग्रेस पार्टी से गोपाल मालवीय एवं सत्यनारायण जोशी को निष्कासन से नुकसान कांग्रेस को लगता है। इस बार भी 2018 में विजय हुए प्रत्याशी गोपाल लाल शर्मा की पुनः विजय संभावित हो सकती है। विदित रहे उपरमाल एवं खेराड़ के वोटिंग पर पुराने समय में कांग्रेस प्रत्याशी के जीत का सेहरा बंधता रहा था। भाजपा के बदरी प्रसाद गुरुजी एवं बाईसा कीर्ति कुमारी जीते, तब से उपरमाल में कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी शुरू हुई। इस बार मतदाताओं ने चुप्पी साध कर मतदान किया, जो दोनों पार्टियों के लिए संशय बना हुआ है। उपरमाल से इस बार दोनों पार्टियों के जीत के दावे कितने सही साबित होंगे, परिणाम आने पर पता लगेगा। विदित रहे खेराड़ के महुआ, मानपुरा, श्यामपुरा, जिलिद्री, मांडलगढ़, बीगोद, बरूदनी, खटवाड़ा, जोजवा, लाडपुरा तक क्षेत्र के मतदाताओं का मतदान उपरमाल के वोटों की घटत बढ़त की पूर्ति कर पार्टी के लिए जीत में सहयोगी रहता है। लेकिन इस बार 3 दिसंबर को मतगणना के साथ पता लगेगा इस बार इस क्षेत्र के मतदाता किस पार्टी के ज्यादा सहयोगी रहे। मतदान के बाद से अब तक हुई आमजन की चर्चा से यही कयास लगता है कि दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर है। सन 2018 के चुनाव में रही हार जीत से भी इस बार कम मतों से प्रत्याशी की जीत रहेगी। दोनों पार्टियों के समर्थक मांडलगढ़ विधानसभा सीट से 15,000 वोटों से हार जीत की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। ये भी विदित रहे रालोपा पार्टी ने अपने प्रत्याशी भैरूलाल गुर्जर को खड़ा किया, जिसने कांग्रेस एवं भाजपा के वोटों में सेंधमारी की। इसमें अतिशयोक्ति नहीं, इस पार्टी ने मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस चुनाव में पैर जमाने का प्रयास किया है। दोनों पार्टी प्रत्याशियों की धक्कन बधाई है। संभवतः रालोपा प्रत्याशी भैरूलाल गुर्जर करीब 10 से 15,000 के बीच वोट ले सकता है। बीगोद में हनुमान बेनीवाल की सभा ने भी फिजा बदली, जिससे गुर्जर, जाट, एसी मतदाता इस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। हाल ही के चुनाव हुए, जिसमें आपके यहाँ पे कौन सी पार्टी निकलने का चांस लग रहा है? कांग्रेस पार्टी निकलेगी सर, 1,000-1,500 वोटों से लीड लेंगे कांग्रेस पार्टी बीगोद से। कारण क्या इसका? कारण सर, राजस्थान सरकार की 7 गारंटी योजना हर घर घर में पहुंचाई और उसी के पक्ष में मतदान किया। महिलाओं ने, आदमियों ने अच्छा मतदान किया। 1,500-2,000 से लीड लेगी कांग्रेस पार्टी और विजय जुलूस निकलेगा और मानगढ़ विधानसभा से जीतेंगे विवेक जी धाकड़। 10 या 15,000 की वोटिंग से विजय होंगे। भिलवाड़ा से बिजोलिया उनका रोड शो होगा। जनता उनको चाहती है दिल से, क्योंकि अशोक जी गहलोत साहब ने जो 7 गारंटी योजना लागू करी वो बहुत अच्छी करी और आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा अभी कांग्रेस पार्टी जीत रही है यहाँ से। आपको ये लगता है कि कांग्रेस यहाँ से मांडलगढ़ क्षेत्र से जीतेगी? बिल्कुल सर, लोगों की भावना, एग्जिट पोल देखते हुए हमें सब मतगणना हमने रुझान लिए चारों तरफ से, तो निष्पक्ष मतलब कांग्रेस पार्टी जीत रही है यहाँ से। इसमें कोई शक की कोई दोराई की बात नहीं है। अच्छे काम किए सरकार ने, सरकार का लाभ लिया सब लोगों ने। राजस्थान सरकार ने 25 लाख से 50 लाख तो चिरंजीवी योजना का कर दिया। 10,000 रुपये हर महिला को हर घर में मिलेंगे यदि सरकार आई तो कांग्रेस पार्टी की। अच्छा, आपका रुझान सही है? ये बिल्कुल सही है सर, हमारा कांग्रेस जीतने का निश्चित चांस है। आपके 125 सीटों का लगभग टारगेट है। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और हमारे सब नेता एकजुट होकर कांग्रेस सरकार को अच्छा बहुमत दिलाएंगे हम और मानगढ़ तहसील के अंदर सब नेता एक नागरिक हो। आपने अभी मतदान किया तो उसमें आपको कैसा क्या लगा? अच्छा लगा सर, राजस्थान सरकार जो कांग्रेस पार्टी ने जो 7 गारंटी योजना का लाभ हर घर पहुँचाया वो अच्छा है और विगत के अंदर हमारे प्रत्याशी लीड लेके निकलेंगे विवेक जी धाकड़। 1,000-1,500 वोटों से और मांडगढ़ से विजय होंगे। 10-15,000 वोटों से उनका विजय जुलूस, भिलवाड़ा से बिजोलिया का रोड शो होगा।
अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हो, इसका मतलब? बिल्कुल सर, राजस्थान सरकार में कांग्रेस सरकार बन रही है, 125 सीटें लगभग तय है, कांग्रेस निश्चित विजय होगी। बिल्कुल सर, निश्चित। मानलगढ़ क्षेत्र से बिल्कुल सर एकजीत आकड़ी बनेंगे। बिल्कुल सर, लोगों की भावना है, लोगों की चाहत है, जनसेवक है सर। आधी रात को भी आप 12 बजे फोन लगाओगे जो जनसेवक विवेक जी धाकर, चाहे वो बलट में लो, चाहे वो किसी भी चीज में लो, सामाजिक कामों में वो अग्रणी रहे और समाज सेवाएं उन्होंने पूरी की। बिल्कुल करी सर, आपको पूरा विश्वास है? बिल्कुल, कि हम विधायक यही बनेंगे। बिल्कुल सर, हमारी भावना यही है, लोगों का रुझान यही है, भाई विवेक जी धाकर एक बार। किसी आपका ऊपर माल से कांग्रेस का बनेगा, क्योंकि उपरमाल का तो कैंडिडेट भी है, कैंडिडेट लाइक होता है मतलब है, बीजेपी वाला कैंडिडेट सही कैसे गया इसमें? तो कैंडिडेट उधर उपरमाल का उस क्षेत्र का है ना, क्षेत्र से तो वोट मिलेगा मिलेगा ना, अपने क्षेत्र से तो अपन को बता ही दिया कि भाई बीजेपी नहीं, उपरमाल से तो देखो कह नहीं सकते बाकी हो नहीं। हाँ, चांस अपना ध्यान देवो ना जी, सेठ जी मतलब चलो बढ़ जाएगी, कितने वोटों इसकी इनका रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं रहेगा ना, है तो कंपटीशन। पाँच हजार वोटों से जीता रहेगी, जीतेंगे जो 5,000 वोटों से कम नहीं जीतेंगे। अच्छा, 5,000 से जीत पाएंगे, हाँ ज़्यादा नहीं रहेगी, करने वाले 5,000 वोटों से जीता रहेगी इनकी। अच्छा, जो भी पार्टी का जीतेगा।